अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड के लिए कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे टिक द करेक्ट आंसर चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 31 पे। तो आज का डे जो हो गया मंडे और आज का डेट हो गया 21 ऑफ जून 2021। ठीक है, तो आज आपके लिए एक होमवर्क दूंगा मैं। तो चैप्टर नंबर 3 में शायद मैंने एक बार आपको ये दिया था, तो मैं इसलिए आपको रिविजन कर रहा हूँ। जब भी हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा इसके बाद हम 4 और 5 भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी T1 में आपका चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को हमें क्या करना है, टिक करना है। ऑन विच साइड ऑफ द रिबन इज द पेन बटन प्रेजेंट। तो ये रिबन जो है, पेन बटन, रिबन के कौन से साइड पर पेन बटन जो प्रेजेंट होते हैं, तो हमें बटन पे देखना है या लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे, तो ये हमेशा लेफ्ट कॉर्नर पे ही होते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमें लेफ्ट कॉर्नर को टिक करना है। सेकंड है विच ग्रुप हैज रेडीमेड शेप, तो कौन से ग्रुप ग्रुप में रेडीमेड शेप होते हैं, तो ये टूल्स शेप्स एंड कलर, तो हमें डायरेक्टली हमें जाना है शेप्स पे, तो ये रेडीमेड शेप जो है वो शेप ग्रुप पे है। ठीक है, थर्ड है टू राइट लेटर सी यूजिंग पेन, यूज द लेटर सी जो आ रहा है ना वो मैग्नीफायर टूल से या पॉलीगन टूल से या कर्व टूल, तो ये कर्व टूल से। ठीक है, विच एक्शन ऑफ द माउस इज यूज्ड टू रिटर्न अ ज़ूम इट इन पिक्चर टू नॉर्मल साइज, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने से डबल क्लिक, क्लिक एंड राइट क्लिक, तो ये राइट क्लिक करने से आपका जो जूमी जो जूम किया हुआ है आपने उसको वापस अपनी नॉर्मल साइज पे लेके आ सकते हैं राइट क्लिक पे। ठीक है, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू कलर, तो न्यू कलर क्रिएट कौन से ऑप्शन से जो आप यूज करोगे जो एक नए कलर के लिए, तो न्यू कलर हमेशा एडिट कलर्स होते हैं, तो सेव कलर वन एडिट कलर, तो एक नया कलर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एडिट करना है, आफ्टर एडिट करने के बाद जो कलर बनेंगे वो कलर वन होता है। ठीक है, तो आपको एडिट कलर को क्लिक करना है। इसके बाद नेम द फॉलोइंग टूल्स, तो यहाँ पे क्या है, नेम द फॉलोइंग टूल्स, यहाँ कुछ टूल्स हमें दिया हुआ है, जैसे सबसे पहला पॉलीगन टूल्स में लिखा हुआ है, बाकी ये आप खुद लिखना है, जैसे ये वाला टूल्स, ये इंच, मतलब इसको देखकर, इनको देखकर आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, से ये कलर पिकल टूल, जैसे मैग्नीफायर टूल, ऐसे आपको मतलब खुद आइडिया आना चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको करके इसको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद सी कंप्लीट द स्टेप्स टू सेट अ पिक्चर ड्रॉइंग यूजिंग पेन इज द डेस्कटॉप प्रोग्राम, क्लिक ऑन द डैश डैश बटन, तो पेन बटन, पेन बटन है, rest the pointer on the dash dash set as desktop background option, choose any one style, click click on the dash dash button on the dash dash to see the desktop, this my show desktop button on the taskbar to see the desktop। ठीक है, तो ये आपको complete करना है, क्योंकि मतलब इसके बाद हम chapter number 4 start करेंगे। तो एक बात आपको याद रखना है, एक question answer तो मैंने शायद आपको already दिया हुआ है, अगर हो सके तो मैं आपको दोबारा आपके ग्रुप पे दे दूंगा, तो इंशाल्लाह आप फिलहाल आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।